दिस न्यूज ब्रॉट टू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। उपमंडल जोगिंद्रनगर की ग्राम पंचायत बदेहड़ के रड़ा गांव में पिछले माह अग्निकांड की घटना से प्रभावित हुए 6 परिवारों को शुक्रवार को जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा और प्रशासन द्वारा राहत के तौर पर राशि चेक के माध्यम से भेंट की गई। गौरतलब है कि पिछले माह आग लगने से 6 मकान जलकर राख हो गए थे। उस दौरान फौरी राहत के तौर पर विधायक प्रकाश राणा ने अपनी ओर से 15,000 की राशि प्रति परिवार को भेंट की थी, जबकि प्रशासन द्वारा 10,000 प्रति परिवार सहायता की गई थी। इसके उपरांत प्रशासन की ओर से शुक्रवार को शेष राहत के तौर पर 2 परिवारों को 65,000, 1 परिवार को 48,000, 2 परिवारों को 18,000 जबकि 1 परिवार को 14,000 के चेक भेंट किए गए। इस मौके पर तहसीलदार जोगिंद्रनगर BS ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। जब ये हादसा हुआ था करीब 1 महीना पहले, तब हम यहाँ आए थे मौके पे, और ये लगभग 6 परिवार जो थे जो प्रभावित हुए थे, जिनके मकान, किसी का ज़्यादा नुकसान हुआ था, किसी का थोड़ा आंशिक हुआ था। उस हिसाब से मौके के नुकसान के हिसाब से हमने आकलन किया था, और उस वक्त हमने मौके पर फौरी राहत दे दी थी सभी प्रभावितों को 10,000 पे, एक परिवार को छोड़ के बाकी सबको 10,000 की हमने फौरी राहत दी थी। और उसमें MLA साहब भी मौके पर हमारे साथ ही थे, इन्होंने भी मौके पर 15,000 पे अपनी पॉकेट से दिए थे, और बाकी की जो शेष राशि है जो अब सैंक्शन हो गई है, तो आज जो है इनके जो बकाया भुगतान था वो आज चेक के माध्यम से हमने इनको किया है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित 2 परिवार थे जिनका ऊपर की छत जली थी, उनको 65,000 रुपया सैंक्शन हुआ है, और एक तीसरा परिवार था उनका भी नुकसान ज़्यादा था, उनको 48,000 सैंक्शन हुआ है, और जो 3 परिवार और हैं उनमें से 2 परिवार का सैंक्शन हुआ, माइनर उनका नुकसान हुआ था, उसमें एक परिवार को 18,000 और दूसरे परिवार को 14,000 सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त माननीय MLA महोदय ने भी सभी परिवारों को 15,000 रुपये अपनी तरफ से सहायता की है। और एक जो चाहूँगा, एक तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ वाले का, ये कुछ दिन पहले मैं भी यहाँ पर आया था, जो अग्नि यहाँ पर लगी थी काफ़ी नुकसान हुआ था, तो सरकार ने उसको एस्टिमेशन किया भी क्या क्या कितना नुकसान है, उसके आधार पर फौरन राहत हमने इनको जो सहायता की थी सरकार ने 10,000 की थी, और जो बैलेंस इनका बचता था, आज कईयों को चेक जो है 65,000 है, कईयों के जो है कुछ 48,000 है, कईयों के जो है जिनका कम नुकसान है उनके भी कुछ 18,000 कुछ ऐसे हैं। और तीसरी बात यह है कि मैंने भी इनको अपनी तरफ से जो है, जो मैंने 15,000 दिए सबको दिए थे, वो तो मैंने अपनी तरफ से दिए थे। तो मैं एक क्षेत्रवासियों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, कि पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा केस हुआ, काफ़ी केसेस होते थे, लेकिन अब ये सरकार में देखो कि आपको जो है तकरीबन महीने के अंदर जो है आपको जो सरकार का पैसा भी मिला, और जो जो नुकसान हुआ उतना मिला है। आज इसको कहते हैं परिवर्तन, है परिवर्तन। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ, तहसीलदार का, SDM का, जो यहाँ पर आज भी देने आए आपको चेक देने, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम मिलजुल कर प्रशासन हम काम करें। आज इसमें इस क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और लोग इस चीज़ के खुद उसको समझ रहे हैं, भलीभांति समझ रहे हैं। पहले भी ऐसे केसेस होते थे तो मुझे नहीं लगता था कि 5-6 महीने के एक साल में पैसा मिलता था, और मिलता भी था ना मिलने के बराबर था। तो मेरे क्षेत्रवासियों, ये है इसको परिवर्तन, ये है इस क्षेत्र का, हम मिलजुल के अपने क्षेत्र को बहुत आगे लेके जाएंगे, मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। आपका भी मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी जो कि क्या हमारी क्या विचार है, जनता के क्या विचार है, क्या किस में मतभेद हैं, कहाँ क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके माध्यम से भी हम चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहे हैं, और लोगों की जो मांग है आवाज़ हमारे तक आ रही, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल दस्तक, वेब TV के लिए जोगिंद्रनगर से अमित सूद।